दोस्तों आप लोग जैसा जान रहे हैं कि 15 जुलाई को जंतर मंतर पे मेगा प्रोटेस्ट का आयोजन होने जा रहा है, तो इसलिए आप लोग 15 जुलाई को जंतर मंतर पे आए इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए। जितना भारी से भारी मात्रा में हो सके सभी लोग 15 जुलाई को जंतर मंतर पे आए। और इसके अलावा हम एक सर हैं यहाँ पे, कमरदीप सर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए गुरदासपुर के MP जो सनी देओल हैं उनसे मिलने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे, और बॉलीवुड एक्टर्स कंगना रनौत से भी मिलने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। तो उसके रिगार्डिंग हमको कई लोग फ़ोन करके पूछे कि क्या चल रहा है उधर, क्या चल रहा है उधर, तुम्हारा कंगना रनौत वाला प्लान क्या चल रहा है तुम लोग का। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि कंगना रनौत से मिलने के लिए इन्होंने क्या क्या किए, और अगर वो हमारे UPSC स्टेटमेंट के मुद्दे को उठाती हैं तो कहाँ तक सफल हो सकता है, उसी के रिगार्डिंग आज हम अमरदीप सर से बात करते हैं। अमरदीप सर, ये बताइए कि कंगना रनौत से मिलने के लिए और गुरदासपुर के MP जो सनी देओल हैं उनसे मिलने के लिए अपने मुद्दे को हाईलाइट कराने के लिए क्या किया? आपने क्या किया है? मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग, सबको ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी भी ट्विटर के सेव्ड मैसेज हैं। मैंने कम से कम भी 25 से 30 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को मैसेज किया था रिगार्डिंग UPSC एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कि सर हमें सपोर्ट किए, वी आर ऑलमोस्ट, मैंने सभी को एक ही चीज़ लिखी थी कि हम UPSC एस्पिरेंट हैं 2020 या 21 के जो कोरोना ग्रस्त हो गए थे, या जो ओवर एज हो रहे थे, या अटैम्प्ट बार हो रहे थे, या एज बार हो रहे थे, या तो हमें 2-3 साल का एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिल जाए, 2-3 बार का एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिल जाए, या 2-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाए। सर वी आर द UPSC एस्पिरेंट ऑफ कोरोना अफेक्टेड UPSC एस्पिरेंट ऑफ 2020 एंड 2021 हु आर सीकिंग वन आइदर टू कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट और आइदर 2 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर ईच कैटेगरी, सर प्लीज हेल्प अस फॉर द सेम। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी को ये किया, जिसमें कंगना रनौत भी थी, सनी देओल को भी किया मैंने, मुकेश ऋषि को भी किया और बहुत सारे जनों को किया था, अभी तो याद भी नहीं आ रहा। 30-40 सेलिब्रिटीज़ को मैंने मैसेज किया था, उनमें से रिप्लाई तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी का नहीं आया, लेकिन जो कंगना रनौत को किया गया मैसेज था उस मैसेज में लाइक थे, उस मैसेज के उस टाइम पर 46 लाइक 3 दिन में, अभी तो और भी बढ़ गए होंगे, मैंने देखा नहीं। तो होपफुली तभी मुझे उम्मीद जगी, तभी मुझे आइडिया लगा कि कंगना रनौत से उनसे मिलना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री जी के भी काफ़ी खास रह चुकी हैं, तो होपफुली मैं उसी दिन से कोशिश कर रहा था। और एक हकीकत की बात, मैंने जो श्रीमती नरगिस दत्त जी हैं, सुनील दत्त जी की धर्मपत्नी, उनसे मिलने की कोशिश की थी मैंने, फ्रेंकली स्पीकिंग, उनकी नरगिस दत्त फाउंडेशन है, इंटरनेट से यूट्यूब से नंबर निकाल के मैंने उन्हें कॉल भी किया था 8-10 बारी, उनको मेल भी भेजा था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। और जो उनके मैनेजर थे उन्होंने कहा कि सर उनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मीन्स कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के लीडर हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, तो उन्होंने कहा ये था, फिर मैंने आगे कुछ रिस्पांस बढ़ाया नहीं। लेकिन सर जो कंगना रनौत का है, मैं उन्हीं की बात करूं तो उनके मैनेजर का भी नंबर निकाला था मैंने, मैनेजर के पास फोन भी किया था, फिर मैनेजर का कुछ पॉजिटिव रिप्लाई उतना अच्छा आया नहीं जितना अच्छा आ सकता था, या कह लीजिए आपके जितना अच्छा मुझे उम्मीद थी। तो अभी मेरी पिछले 1 या 1.5 महीने से यही कोशिश है किसी तरीके से उनके मैनेजर से बात हो जाए और उनसे आधा घंटा, 1 घंटा, 10-20 मिनट मिलने का टाइम मिल जाए, ताकि हम उनसे अपना मुद्दा रख सके। और अगर उनको हमारा मैसेज समझ में आता है, फेवर में होता है भाई, तो अगर उन्हें हमारा मैसेज और वो समझ में आता है, तो अगर उन्हें मुद्दा पसंद आता है और वो हमारे मुद्दे को पसंद करते हुए संबोधित करती हैं, या प्रधानमंत्री जी को अपना मैसेज देती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ना मिले, 2 ईयर का एक्स्ट्रा अटैम्प्ट या 2 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर ईच कैटेगरी ना मिले। और यानी कि हो नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलेंगे, हमारा मुद्दा पूरा होने के जो चांसेस है ना वो काफी हाईलाइट हो जाएगा, वो हाई हो जाएंगे, काफी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट के मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, मतलब क्योंकि वो आजकल कोई भी मुद्दा, मतलब जो भी इशू है इंडिया का, गवर्नमेंट ये देखती है कि वो आजकल बोलती आ रही है, तो इसलिए हमको भी उनसे ट्राई करना चाहिए, उस मुद्दे को बोल कौन रहा है, उस मुद्दे को गवर्नमेंट के समक्ष रख कौन रहा है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के वो काफी करीब भी है इस टाइम, काफी खास रह चुकी है वो नरेंद्र मोदी जी, तो हमारी यही कोशिश है कि हम उनसे मिले। आप बीच में सर आप ठंडा पड़ गए थे, लेकिन आप एक्टिव तरीके से आप कंगना रनौत जी से मिलने के लिए प्रयास जारी रखेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जारी रहेंगे। जिंदा नहीं सर, अटैम्प्ट जो है सितंबर तक फाइनल हो जाना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे जो हम काश के साथ ना मरे,
कोशिश करते करते मरे या कामयाबी की कोशिश करते करते नहीं सर, स्टार्ट हम सितंबर तक फाइनल हो जाना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा जो भी करना है। एक हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पर, जो भी होना है, जो भी आपको प्रयास करना है कंगना रनौत जी से और गुरदासपुर के एमपी सनी देओल जी से मिलने के लिए, आपको अगस्त महीने तक लास्ट डेट दिया जा रहा है। तब तक फाइनल हुआ तो हुआ, फिर लेट होएगा, ऑलरेडी दो साल जा चुके हैं। फिर इस मुद्दे को आप इस मंच पे ना उठाएं। नहीं, मुद्दा तो जरूर उठाएं। नहीं नहीं, कंगना रनौत जी से मिलने के लिए कोशिश तो जरूर करेंगे हम, जो कोशिश हमारे हाथ में है हम वही ना करें, ये तो गलत बात है ना। ठीक है सर, है तो आप हमारे दोस्त से पूछिए कि वो कैसा फील करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। और बाकी आप लोगों ने सुना कि जो अमरदीप सर हैं वो कंगना रनौत जी से मिलने के लिए काफी पहले भी ट्राई कर चुके हैं और फिर अब एक्टिव तरीके से लग रहे हैं कंगना रनौत जी से मिलने के लिए और अपने मुद्दे को यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को हाईलाइट करवाने के लिए, क्योंकि अगर वो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के मुद्दे पे अगर कुछ भी दो मिनट का भी अगर कुछ स्टेटमेंट दे देती हैं तो ये मुद्दा काफी हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब बाकी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी जो परसों जंतर मंतर पे 15 जुलाई को धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं जिसमें काफी लड़के एक्टिव भी हैं, तो उसके लिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे उतने हम लोग प्रयास करेंगे और मुद्दा हाईलाइट होगा और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए भूल जाइए, अमरदीप सर का मुद्दा तो सेकेंडरी है एक तरह से। जब आप लोग अपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की कोशिश को पाने के लिए अपनी कोशिश नहीं कर सकते तो आप लोग कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद उसको संभाल लेंगे, ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं आप खुद से। जब आप लोग 40 साल की उम्र तक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने की वो रख सकते हैं हिम्मत, तो 35 साल में उस कुर्सी को पाने की हिम्मत क्यों नहीं रख सकते यार, 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग 15 जुलाई को जंतर मंतर पे आए और प्रोटेस्ट को सफल बनाए। ठीक है, थैंक यू।